इस सत्ता के प्रति स्वयं को जागरूक बनाएं, अपने भीतर विराजमान प्रभु की सत्ता के प्रति अवेयर बने, जागरूक बने, पूर्ण विश्वास करें अभी और यहीं ईश्वर आपके अंदर आपके साथ हैं। लंबी गहरी सांस भर लें, ओ आप अपनी आंखें सहजता से खोल लीजिए। पिछली कक्षा में हम लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुपम ग्रंथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का परिचय प्राप्त करना प्रारंभ किया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ये पुस्तक पिछली भी बार आप लोगों ने देखी है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस पुस्तक का प्रारंभ सन 1876 में 1876 में इसको लिखना प्रारंभ किया। ये पुस्तक इंग्लिश में एन इंट्रोडक्शन टू द कमेंट्री ऑन द वेदास के नाम से उपलब्ध है। पिछले कक्षा में भी इन पुस्तकों का एक सामान्य परिचय आपको प्राप्त हुआ है। 1876 में भाद्रपद मास में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन रविवार के दिन इस पुस्तक का लेखन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रारंभ किया था। आप सभी इस बात को जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कौन से सन में हुई है? 1875 में हुई है और 1876 में ऋषि दयानंद जी ने इस पुस्तक का लेखन प्रारंभ किया। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम हम फिर से ध्यान से एक बार सुने, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चार वेदों पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना भाष्य का प्रारंभ 1876 को किया, जो मैंने आपके सामने रखी बात। इन चार वेदों के ऊपर उन्होंने अपना भाष्य प्रारंभ किया और आप इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझते हैं कि इतना बड़ा भाष्य लिखने से पूर्व लेखक क्या लिखेंगे, उस भाष्य की भूमिका लिखेंगे, उसका प्रीफेस लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आज भी आप जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं उन पुस्तकों के स्टार्टिंग में क्या होता है,
उसका एक इंट्रोडक्शन होता है, प्रीफेस होता है, एक आधार बनाया जाता है जिसके आधार पर आप आगे पुस्तक को समझ पाएंगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो भाष्य करना प्रारंभ किया उससे पूर्व उन्होंने ये भूमिका लिखी। ये भूमिका इतनी बड़ी हुई कि ये भूमिका भी एक पुस्तक का रूप इस भूमिका ने ले लिया। तो इसका नाम क्या है? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। अर्थात जो चार वेदों का भाष्य प्रारंभ कर रहे हैं उससे पहले ऋषि भूमिका लिख रहे हैं। भूमिका लिखने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? सबसे पहला तो वो इस बात को प्रारंभ में बताते हैं कि उनका इस वेद के भाष्य को करने का उद्देश्य क्या है। दूसरी चीज, भूमिका के अंदर वो इस बात को स्पष्ट करते हैं, उन बातों को समझाते हैं जिनको समझकर फिर आप वेदों के ऊपर उनके भाष्य को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। उनका जो भाष्य है उसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स चाहिए, कुछ हमें फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होने चाहिए, और इसी प्रकार से जो वेद के मंत्र हैं उनकी रचना कैसे है, वेद के मंत्रों के मीनिंग किस प्रकार से निकाले जाते हैं और वेद क्या है, ये सारा बेसिक्स यदि आपके पास होगा, बेसिक्स यदि आपके क्लियर होंगे, तब आपके अंदर उस भाष्य को पढ़ने का एक अंदर से इंटरेस्ट भी आपके अंदर पैदा होगा और तभी आप उस भाष्य को ठीक प्रकार से समझने के लिए आप प्रयास कर सकेंगे। तो ये जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, जो पूरी एक पुस्तक का रूप है, ये जो उन्होंने लिखी है, इसका उद्देश्य उनके भाष्यों को हम ठीक प्रकार से समझ पाएं। और दूसरा उद्देश्य कि भाष्यों के जो मीनिंग्स हैं वो मीनिंग्स किस प्रकार से पूर्व के भाष्यकारों से अलग हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से पूर्व भी वेद के भाष्य उपलब्ध थे। किनके उपलब्ध थे? सायणाचार्य जी के उपलब्ध थे, आचार्य महीधर के उपलब्ध थे। तो वो जो भाष्य थे, पिछले सेशन में हम लोगों ने इस बात को समझा, वो भाष्य वेद के ठीक मीनिंग्स को नहीं दे पाए, बहुत अश्लील और गलत मीनिंग्स वेद के मंत्रों के कर दिए गए उन भाष्यों के माध्यम से। तो उन भाष्यों के माध्यम से वेदों को लेकर के एक जन साधारण में ही नहीं, विद्वानों में भी, वो चाहे पूर्व के विद्वान हैं चाहे पश्चिम के विद्वान हैं, उनमें जो एक भ्रांति फैली वेदों को लेकर के, उस भ्रांति का निराकरण, उस भ्रांति को दूर करना भी उस समय अत्यंत आवश्यक था। तो उस भ्रांति को जो समाज के अंदर गलत भाष्यों के कारण फैल गई, उसको दूर करने के लिए भी उन्होंने वेद भाष्य की रचना की। तो 1876 में ये जो उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, भूमिका और फिर भाष्य, भूमिका के प्रारंभ में वो लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं कि मैं जो वेद भाष्य करूंगा वो दोनों भाषाओं में करूंगा, संस्कृत भाषा में और प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? आर्य भाषा, हिंदी भाषा। तो उनके जो भाष्य हैं, ये जो भूमिका है और इसके साथ साथ जो भाष्य है वो दोनों भाषाओं में साथ साथ हैं। तो संस्कृत में, पहले संस्कृत में उन्होंने लिखा है, फिर उसको उन्होंने हिंदी में भी उसको समझाया है। कहीं कहीं संस्कृत पार्ट के अंदर कहीं कहीं कोई ऐसी भी चीज आई है जो हिंदी वाले पार्ट में नहीं आ पाई, और कहीं कहीं हिंदी वाले पार्ट में ऐसी चीज है जो संस्कृत वाले पार्ट में नहीं है। तो इन दोनों ही पार्ट्स को, संस्कृत और हिंदी को, दोनों को पढ़ने से हमें काफी अच्छी प्रकार से हमें उनके भाव समझ में आते हैं।
जो हिंदी वाला पार्ट है वो आपको इसमें इस बुक में प्राप्त हो ही रहा है, और जो संस्कृत पार्ट है इसमें, इस बुक में जो संस्कृत का पार्ट है, उस संस्कृत का जो पार्ट है उसकी इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है ये बुक। इस चीज को समझिएगा, ये जो बुक है ये किस चीज का ट्रांसलेशन है, इस बुक के संस्कृत वाले पार्ट का इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो इस रूप में यदि आपको संस्कृत नहीं भी आती है तो भी उसका पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपके लिए अवेलेबल है। तो इंग्लिश और हिंदी यहां से आप कवर करके बहुत अच्छी प्रकार से इस बुक की गहराई में जा सकते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं कि मैंने ये जो वेद भाष्य किया है इसमें अप्रमाण कुछ भी लेख मैंने नहीं किया। अप्रमाण का तात्पर्य क्या है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जिसको मैं एविडेंसेस के सहारे प्रूव ना कर सकूं। मैंने इस भाष्य में जो कुछ लिखा है, जिस भी प्रकार से मैंने किया है, वो ब्रह्मा से लेकर व्यास पर्यंत मुनि और जो ऋषि हुए हैं उनकी व्याख्या रीति के अनुसार ही मैंने यह इस वेद भाष्य का सृजन किया है। जो मैंने आपसे पहले जो अभी नाम लिए आचार्य सायण और महिधर, उन्होंने जो भाष्य किए उन्होंने वो भाष्य ठीक वैदिक ट्रेडिशन के अनुसार वैदिक शास्त्रों को पढ़े बगैर केवल संस्कृत को जानने के आधार पर उन्होंने किए। वेदों का भाष्य करने के लिए व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक गहरा शास्त्रीय अध्ययन उसके पास होना चाहिए। जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें वो काफी उसका जानकार होता है, बहुत बड़ा विद्वान होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा से लेकर व्यास मुनि पर्यंत ऋषि जिस प्रकार से वेदों की व्याख्या करते चले आए हैं, मैंने उनकी व्याख्या शैली के अनुसार ही इस भाष्य को किया है। मैंने जो भाष्य किया है वो निरुक्त के आधार पर, निघंटों के आधार पर, वैदिक शास्त्रों के आधार पर किया है, ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर किया है। तो मैंने उस ट्रेडिशन को फॉलो किया है, और वो स्टार्टिंग में कह रहे हैं मैंने इसमें कुछ भी अप्रमाणित चीज नहीं लिखी है। जो मैंने किया है वो एविडेंसेस के साथ किया है। इसी के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि यह वेद भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ के विरुद्ध अब के बने भाष्य और जो भी टीकाएं हैं उनसे वेदों को लेकर के वेदों के प्रति जो भ्रम फैल गया है, वेदों के ऊपर जो मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे इस भाष्य से वो सारे आरोप खंडित हो जाएंगे और वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश होगा। इस प्रकार से वो स्टार्टिंग में लिख रहे हैं। तो स्टार्टिंग में उन्होंने इन बातों को लिखा है, और इन बातों को भी लिखने से पूर्व उन्होंने ईश्वर की स्तुति की है, ईश्वर से प्रार्थना की है और ईश्वर से सहायता मांगी है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे ऐसी मेधा दें, ऐसी रितंबरा बुद्धि दें जिससे मैं आपके दिए गए वेद के ठीक ठीक अर्थों का मैं लोगों के कल्याण के लिए प्रकाश कर पाऊं, इसके लिए आप मुझे शक्ति सामर्थ्य दें। और जो अन्य सज्जन लोग हैं समाज के अंदर, उनके हृदय में भी प्रेरणा दें कि वह मेरे इस कार्य के लिए वो भी मेरे सहयोगी बने। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की है और अपने उद्देश्य को उन्होंने स्पष्ट किया है। इसके बाद ये करने के बाद जो अब उन्होंने पहला जो चैप्टर लिखा है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का, ये जिसमें वो प्रार्थना कर रहे हैं, ये है ईश्वर स्तुति प्रार्थना के नाम से। इसके बाद जो उन्होंने दिया है हमें विषय, वो दिया है वेदोत्पत्ति विषय।
पिछली चर्चा में भी हम लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास किया था कि जो वेद हैं वो कितने पुराने हैं। तो उस कैलकुलेशन को उन्होंने इस चैप्टर के अंदर समझाया जिसका नाम है वेदोत्पत्ति विषय, कि वेद कितने पुराने हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उन्होंने कई चीजों को और स्पष्ट करने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने क्वेश्चन रेस किया महर्षि दयानंद सरस्वती जी की और उनसे पूर्व के भी सभी ऋषियों की एक शैली है। आप जितने भी दर्शनों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, वो प्रायः सभी शास्त्र क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। शास्त्र ऐसा नहीं है कि केवल सत्यार्थ प्रकाश क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है या ये पुस्तक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। ऋषियों के जो ग्रंथ हैं वो प्रायः क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होते हैं। वो खुद क्वेश्चन उठाते हैं और उनका आंसर करते हैं और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के हृदय में आ सकते हैं, उनको समझते हुए वो क्वेश्चन रेज करते हैं और उनके आंसर करते हैं। तो इसी वेदोत्पत्ति इसी चैप्टर के अंदर वो इस क्वेश्चन को भी उठाते हैं। क्या उठाते हैं कि आप एक और तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर निराकार हैं, तो निराकार ईश्वर से शब्द रूपी वेद कैसे पैदा हो सकता है। क्वेश्चन, वेद कैसे हैं? वेद तो शब्दमय हैं, ईश्वर निराकार हैं, तो निराकार ईश्वर शब्दों में नॉलेज कैसे दे सकते हैं? क्योंकि जो शब्दों का प्रोनंसिएशन है, उच्चारण है, उनके करने के लिए तो मुख भी चाहिए, कंठ भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो ईश्वर ने ये वेद जो शब्दमय हैं इन्हें कैसे दे दिया? क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस वो रेज करते हैं और उनका आंसर भी वो देते हैं और उनका आंसर समझाते हुए वो आपको भी सोचने में मजबूर कर देते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि आप ये बताइए, आप मन के अंदर बोलते हैं अथवा नहीं? मन के अंदर बोलने में क्या आपको इस मुंह की जरूरत पड़ती है? क्या आपको इस कंठ की जरूरत पड़ती है? मन के अंदर जैसे आप बोलते हैं तब आप अपने इस क्वेश्चन पर फिर से फोकस करके देखें कि बिना मुख के कैसे शब्द का उच्चारण हो सकता है। मन के अंदर जो आप उच्चारण करते हैं क्या उसमें आप मुख का यूज करते हैं? इस तरीके से वो नॉलेज को अपनी ओर से ही क्वेश्चन रेज करके वो बढ़ाते हुए इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वेदों का ज्ञान परमपिता परमेश्वर ने ही सृष्टि के प्रारंभ में दिया है। ये सारा जो डिस्कशन है, ये सारा डिस्कशन आप उस किताब में देखेंगे तो आपको काफी रोचक लगेगा, काफी अच्छा लगेगा। और इसी प्रकार से फिर ये क्वेश्चन भी रेज करते हैं, क्या मनुष्य स्वयं वेदों की रचना नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन भी रेज करते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य अपने नॉलेज को डेवलप करते हुए और बहुत सारे मनुष्य जो अलग अलग फील्ड के नॉलेज को समझने वाले हैं वो सब मिलकर के वो क्यों नहीं वेद को रच सकते? तो हो सकता है मनुष्यों ने ही वेद बना दिए हो। ये कॉमन क्वेश्चंस जो आपके मन में होते हैं, जो वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा के अंदर व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति के क्वेश्चंस को कभी भी सप्रेस नहीं किया जाता, वो तो खुद ही आपके क्वेश्चंस को उठा उठा करके उन्हें आंसर करते हैं और सत्य की स्थापना करते हैं। ये वैदिक शैली है, शास्त्रों की शैली है, ये वैदिक परंपरा है। तो मनुष्य स्वयं भी तो वेद की रचना कर सकता है, फिर ईश्वर ने की ऐसा क्यों माने? अब उसके ऊपर डिस्कशन चलेगा। इसी प्रकार से जो आपने वेद के मंत्रों को आपने देखा हो, वेदों को आपने देखा होगा, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वेद मंत्रों के ऊपर या जो वेद मंत्रों का जो ग्रुप ऑफ मंत्रास है जिसे सूक्त कहते हैं, उनके ऊपर ऋषियों के नाम लिखे होते हैं।
ऋषि के नाम लिखे होते हैं, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं ये जो वेद मंत्रों के ऊपर या सूक्तों के ऊपर ऋषियों के नाम लिखे हैं, ये शायद उन्हीं ऋषियों के नाम हो जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है। आप कैसे कह रहे हैं कि ईश्वर ने वेद मंत्र दिए? समझ रहे हैं? तो इस रूप में वो खुद क्वेश्चन रेज करके वो आपको बात को स्पष्ट करते हुए ये समझा देते हैं कि वेद ईश्वर के द्वारा ही दिए गए हैं। इस चीज को बड़ी रोचक प्रकार से आप वेदोत्पत्ति विषय में पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो मैंने आपके सामने जो पिछली बार जो मैंने आपके सामने एक बहुत बड़ी सी संख्या रखी थी 1,96,08,53,118 वर्ष, इतनी लंबी संख्या, ये इतनी लंबी संख्या ये कैलकुलेट कैसे हुई, वो कैलकुलेशन भी आपको कहां मिलता है? इसी चैप्टर में मिलता है जिसका नाम वेदोत्पत्ति विषय है। इसी प्रकार से जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर किस बात से रिलेटेड है कि वेद की नित्यता, वेद नित्य है अथवा नहीं। कई बार व्यक्ति कई बार क्या सोचता है, जो पुस्तक की फॉर्म में वेद है वेद वही है। तो जो पुस्तक है क्या पुस्तक बुक हमेशा रह पाएगी? वो तो कभी भी नष्ट हो सकती है। तो ये क्वेश्चन इस दूसरे चैप्टर में आता है, वेद नित्यत्व विषय उस चैप्टर का नाम है। उसमें ये टॉपिक वो इस सब्जेक्ट को वो उठाकर समझाते हैं कि वेद नित्य है अथवा नहीं। तो इस बात में वो इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझाते हैं कि जो वेद है, वेद अर्थात जो ट्रू नॉलेज है, जो शुद्ध ज्ञान है, वह ज्ञान ईश्वर में हमेशा रहता है। ईश्वर के नॉलेज में वेद हमेशा रहते हैं। जो शुद्ध ज्ञान है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। हाँ, उस शुद्ध ज्ञान को जो आपने पुस्तकों में जो अंकित किया है वो पुस्तकें नष्ट हो सकती हैं, लेकिन शुद्ध ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए वेद कैसे हैं? वेद नित्य हैं। और वो क्या लिखते हैं कि ईश्वर के ज्ञान में ये वेद नित्य हैं। जैसे इस कल्प की सृष्टि में, ये सेंटेंसेस बड़े सुनने योग्य हैं, ध्यान से इन्हें सुनिएगा। जैसे इस कल्प की सृष्टि में शब्द, अक्षर, अर्थ और संबंध वेदों में है। देखिए, शब्द कैसे बनता है? अक्षरों से मिलकर के शब्द बना। वो शब्द जो बना है उसका कोई सब्जेक्ट है। मान लीजिए वेद के अंदर गौ शब्द आया, तो जो गौ शब्द है वो कई चीजों को बताने वाला है। वेद के अंदर गौ शब्द बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। तो जो अक्षरों से मिलकर जो शब्द बना है वो जिन चीजों के लिए यूज होता है, अर्थात उस चीज के साथ जो संबंध है, वो जिस प्रकार से पूर्व कल्प में था, पहली सृष्टि में जो वेद आए उनमें शब्दों का अपने अपने सब्जेक्ट के साथ जैसा रिलेशन था, वैसा ही इस सृष्टि में है और वैसा ही अगली सृष्टियों में होगा। अर्थात वो कहना क्या चाह रहे हैं, वेद एज इट इज अगली सृष्टियों में भी ऐसे ही आएंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य होता है, ईश्वर पूर्ण है और उनके ज्ञान में वृद्धि, क्षय और विपरीतता कभी भी नहीं होती। वो मनुष्यों के हित के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वेद का ज्ञान हमेशा इसी रूप में आता है। अब इसी के साथ एक प्रश्न है, अन्य क्या ये जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, क्या इस इतने बड़े यूनिवर्स में जीवन केवल यहीं पर है? क्या इसी पृथ्वी पर जीवन है? इतने बड़े यूनिवर्स में, इतने बड़े ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जहां जीवन होगा।
तो इस चीज को समझना है, इसका भी संकेत सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है। अन्यत्र भी जहां पर भी वेद का ज्ञान होगा वो इसी रूप में होगा और इसी भाषा में होगा, तो इस कारण से वेद के ऊपर मेहनत करना हमेशा हमारे काम ही आएगा। संस्कृत भाषा को अच्छे से सीखने पढ़ने का अभ्यास, हम कहीं पर भी आगे जाते हैं हर जगह संस्कृत भाषा रूट में आपको मिलेगी ही मिलेगी। जो नॉलेज है वो वेद के रूप में ही उसी फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए वेद और संस्कृत भाषा जो देववाणी है उसमें हमें अवश्य परिश्रम करते रहना चाहिए। अगला जो वो विषय लेते हैं अगले चैप्टर में, उसका नाम है वेद विषय विचार। वेद विषय विचार से तात्पर्य है कि ये जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें क्या क्या सब्जेक्ट्स क्या हैं, इनके टॉपिक्स क्या हैं। तो आप सभी इस चीज को जानते हैं, ऋग्वेद का मुख्य विषय क्या है, ज्ञान, नॉलेज। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है, कर्म। और सामवेद का मुख्य विषय क्या है, उपासना। और अथर्ववेद का मुख्य विषय क्या है, विज्ञान। तो ज्ञान, कर्म, उपासना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के ये सब्जेक्ट्स हो गए। और अथर्ववेद का मुख्य विषय क्या है, विज्ञान। अब विज्ञान क्या है, यहाँ पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सबसे अधिक इंपॉर्टेंस किसकी दी है, विज्ञान की दी। विज्ञान क्या है, विज्ञान से तात्पर्य क्या, वो कह रहे हैं कि जो ज्ञान है, जो कर्म है, जो उपासना है, इन सब को यूज करके आप जो सीधा पदार्थ जैसा है उसको सीधा जब आप रियलाइज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो जो आपके अंदर चीज आती है वो क्या है, विज्ञान। तो वो क्या लिखते हैं, तृण से लेकर के, तृण, तृण समझते हैं घास का तिनका, तृण से लेकर के परमेश्वर पर्यंत सभी पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानना, उनके गुण कर्म स्वभावों को ठीक ठीक समझना और उनसे यथोचित उनसे उपयोग लेना, ये क्या कहलाता है, उनके विषय में विज्ञान। तो जो ज्ञान है, जो कर्म है, जो उपासना है, ये बेस है। और उसके बाद जो तत्वों का सीधा साक्षात्कार है, वो जो स्थिति है वो विज्ञान की स्टेज है। तो विज्ञान का विषय कहाँ पर है, अथर्ववेद में। इसी प्रकार से ज्ञान, कर्म, उपासना के जो टॉपिक्स ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में आए और जहां जहां कुछ चीजें और बतानी रह गई इनसे संबंधित, उनको भी कहां पर कवर किया गया, अथर्ववेद के अंदर। इसी के साथ साथ ज्ञान, कर्म, उपासना से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, कुछ संशय हैं, कुछ रह गए, उनको भी कहां क्लियर किया जाता है, विज्ञान वाले पार्ट में, अथर्ववेद के माध्यम से। तो इस प्रकार से यहां पर यह चीज समझाई गई कि जो चार वेद हैं उनमें मुख्य मुख्य रूप से क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स उनमें कवर किए गए। इसी के अंतर्गत वो क्या समझाते हैं कि वेदों के अंदर इन विषयों के साथ साथ बहुत बड़ा एक विषय प्रस्तुत किया गया, वो क्या है, यज्ञ। यज्ञ को बिल्कुल सामान्य अर्थों में यदि हम समझें तो सामान्य अर्थों में यज्ञ का अर्थ होता है नोबल एक्शन, अच्छा कार्य। ऐसा अच्छा कार्य जो आपको भी आपके जीवन के लक्ष्य की ओर आगे लेकर के जाए और समाज को भी अच्छी दिशा दे, वो सारे के सारे अच्छे कार्य क्या कहलाते हैं, यज्ञ कहलाते हैं वैदिक टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो यज्ञ को समझाते हुए उन्होंने
इसी चैप्टर के अंदर वेद विषय विचार के अंदर जो देव यज्ञ है, जो हवन है, उसको भी काफी विस्तार से समझाया। हवन के अंदर क्या साइंस है, किस प्रकार से हवन बहुत उपयोगी है इस पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए, किस प्रकार से वह उपयोगी है हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उसका जितना विस्तार यहां पर मिलता है वो सत्यार्थ प्रकाश से भी अधिक मिलता है। तो सत्यार्थ प्रकाश से भी कुछ अधिक यज्ञ की जो महिमा है, उसके पीछे जो साइंस है, उसका विस्तार इस चैप्टर में हमें प्राप्त हो जाता है, उसको आप यहां से देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसी चैप्टर के अंदर उन्होंने उपासना का भी विषय समझाया कि उपासना भी एक बहुत मुख्य विषय है, उसके बारे में भी बात की है। और इसी चैप्टर के अंदर उन्होंने वेद के और भी कई सारे नाम समझाए। वेदों के और नाम कौन कौन से हैं? वेद को श्रुति भी बोलते हैं, आप जानते हैं। वेद को छंद भी बोलते हैं। वेद को, वेद के लिए एक नाम मंत्र भी है, छंद भी है, श्रुति भी है, और वेद के लिए एक नाम आता है निगम। निगम ये भी नाम है। तो निगम ये भी नाम है, कल्प भी, कल्प नहीं, श्रुति, मंत्र, छंद, निगम, ये सब वेद के लिए नाम प्रयुक्त होते हैं शास्त्रों के अंदर। तो थोड़ा सा संकेत उन्होंने इसका भी दिया। इसके बाद जो अगला चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेद संज्ञा विचार। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। वेद संज्ञा विचार, तो इसके अंदर वो इस बात को, इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं कि वास्तव में वेद है क्या, कौन से ग्रंथों को हम वेद कहें। ये उन्होंने विषय इसलिए वहां पर प्रस्तुत किया क्योंकि समाज के अंदर कुछ डिफरेंट ट्रेडिशंस के अंदर जो मुख्य जो वेद हैं उनसे अतिरिक्त कुछ दूसरी बुक्स को भी वेद के नाम से वो लोग यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथों के नाम सुने हो, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? वेदों की व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। तो किन्हीं ट्रेडिशंस के अंदर ये जो व्याख्या करने वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनको भी वो वेद मान लेते हैं। कहीं कहीं पर उपनिषदों के लिए भी लोग वेद नाम यूज कर लेते हैं। तो यहां पर वो इस चीज को क्लियर कर रहे हैं वेद संज्ञा विचार इस चैप्टर के अंतर्गत कि नहीं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो वेद नहीं है, उपनिषद वेद नहीं है, जो वेद हैं वो संहिता, वो पुस्तक जिसमें आपको केवल मंत्र मिलते हैं। तो जो संहिता वाला जो पार्ट है, केवल मंत्रों वाला पार्ट है, वही वेद है। उसके ऊपर जो व्याख्याएं हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध हुई वो वेद नहीं है। वो जो व्याख्याएं हैं वो ऋषियों के माध्यम से की गई हैं। जो 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 मेन मंत्र हैं वो तो ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। तो वही जो पार्ट है वही वेद है, उनके ऊपर जो व्याख्या ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो वेद नहीं है। इस चीज को वो वहां पर क्लियर करते हैं। और इसी के साथ साथ वो इस बात को भी वहां पर समझाते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदों की व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं, इन्हीं ग्रंथों का वास्तविक नाम वैदिक परंपरा में क्या है? इतिहास। इन्हीं ग्रंथों का नाम क्या है? पुराण। अभी जब आप पुराण ये शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में कुछ दूसरे ग्रंथ आ जाते हैं। ये जो दूसरे ग्रंथ हैं ये तो बहुत बाद में बने हैं, लगभग अभी 2500 साल पहले।
ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर अर्थात वेद के मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों के अंदर जो सृष्टि विद्या का वर्णन है, जहां पर वो सृष्टि कैसे बनी, इस पार्ट को ब्राह्मण ग्रंथ का वो पार्ट जो सृष्टि कैसे बनी इसको समझा रहा है, उसी पार्ट का नाम क्या होता है? पुराण। तो ब्राह्मण ग्रंथ का एक भाग क्या कहलाएगा? पुराण। ये वाले पुराण नहीं। यदि आप वैदिक ट्रेडिशन को पूरा ठीक से समझना चाहते हैं और वेदों के मीनिंग्स को ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको रियल पुराण से परिचित होना पड़ता है। तो रियल पुराण कौन सा पार्ट है? जो ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर सृष्टि विद्या से संबंधित पार्ट है उसको पुराण बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर इतिहास भी है और जगत उत्पत्ति का जो वर्णन है वो पुराण नाम से है, कल्प है, गाथा है, नारा शंसी है, ये जब आप वहां पढ़ेंगे तो आपको इनकी डिटेल्स मिलेंगी। और इसी चैप्टर के अंदर उन्होंने एक वेद मंत्र का एग्जाम्पल देकर ये बात समझाई। वो वेद मंत्र क्या उन्होंने प्रस्तुत किया है? त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम। आप में से कई लोगों ने ये वेद मंत्र सुना हुआ है। जब किसी को हम दीर्घ आयु के लिए जब अपनी शुभ भावनाएं प्रकट करते हैं तो कई बार इस मंत्र का भी पाठ किया जाता है। इस मंत्र के अंदर क्या है? जमद अग्नि एक शब्द आता है। इस मंत्र के अंदर कश्यप ये शब्द आता है। कई बार ऐसे शब्दों को देख करके व्यक्ति कैसे सोचता है कि जो जमद अग्नि है या जो कश्यप है ये किसी शरीरधारी मनुष्यों के नाम है। तो ऐसे शब्दों को देख करके व्यक्ति कई बार क्या सोचता है कि वेदों के अंदर भी मनुष्यों का इतिहास है। वो इसलिए व्यक्ति ऐसा समझ लेता है क्योंकि उसको अभी इन शब्दों के मीनिंग्स नहीं पता होते। और इस चीज को भी आप सभी समझते ही हैं या समझना चाहिए कि वेदों के अंदर किसी भी प्रकार से मनुष्यों का इतिहास नहीं है। वेद के अंदर कृष्ण शब्द भी मिलेगा, वेद के अंदर राम शब्द भी मिलेगा। उन शब्दों के मीनिंग्स वो नहीं है जो आज प्रचलन में हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जमद अग्नि, जो चक्षु होता है, जो नेत्र होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जमद अग्नि। इसी प्रकार से जो प्राण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कश्यप। तो वेद मंत्रों के अंदर जो इस तरीके के नाम आते हैं उन नामों के मीनिंग हमें अपने ऐतिहासिक लोगों से नहीं जोड़ने होते। यदि ऐतिहासिक लोगों से जोड़ करके आप उस मंत्रों का अर्थ करना चाहेंगे तो आप उनके रियल मीनिंग्स को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से वेद मंत्रों के अंदर सरस्वती शब्द भी आएगा, गंगा शब्द भी आएगा, यमुना शब्द भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो उनको आप देखकर अपनी गंगा यमुना ये आप समझने लग जाएंगे तो फिर आप उनके मीनिंग्स को नहीं समझ पाएंगे, उनके मीनिंग्स वहां पर अलग होते हैं। तो इस प्रकार से वेद संज्ञा विचार। इसके बाद जो अगला विषय है वो विषय क्या है? ब्रह्म विद्या का विषय। ब्रह्म विद्या का विषय ये जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले वो क्वेश्चन रेज करते हैं, वेदों में सब प्रकार की विद्याएं हैं अथवा नहीं? तो उसका वो आंसर क्या देते हैं? आंसर देते हैं कि वेदों में सब प्रकार की विद्याएं हैं। वेद ही सब प्रकार की सत्य विद्याओं के स्रोत हैं। बीज रूप में विद्याएं वहीं से बाहर आई हैं। तो सब सत्य विद्याएं वेदों से ही निकली हैं और जो ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या का भी वर्णन फिर वेदों में मिलेगा, स्वयं ईश्वर का भी वर्णन हमें वहां पर वेदों में मिलेगा। तो बहुत सारे मंत्रों को वहां प्रस्तुत करते हुए, वेद के मंत्रों को प्रस्तुत करते हुए वो ईश्वर का स्वरूप वहां पर समझाते हैं। एक मंत्र है जो अथर्ववेद का है, न द्वितीयो न तृतीयश चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते। ऐसे करके अंत में आता है स एष एक
एक वृद एक एव, इस मंत्र के अंदर, ये वेद मंत्र है, इस वेद के मंत्र के अंदर क्या चीज कही जा रही है, परमेश्वर एक ही है, केवल एक ही है, उससे भिन्न कोई ना दूसरा ना तीसरा ना कोई चौथा ना दसवां, वो एक ही है। वो एक वो कैसा है, अद्वितीय है। वो एक कैसा है, अद्वैत है। अद्वैत शब्द समाज में बहुत प्रचलित है। अद्वैत शब्द का मीनिंग क्या होता है, अद्वैत शब्द का मीनिंग होता है अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, वो एक ही है। तो ईश्वर एक ही है, इस बात को भी वहां पर उन्होंने समझाया। अगला जो विषय है, अगला जो चैप्टर है, वो है वेदोक्त धर्म विषय। धर्म शब्द को हम लोग बहुत सुनते हैं, और धर्म शब्द का गलती से किस रूप में ट्रांसलेशन आज इंग्लिश में लोग कर देते हैं, रिलीजन। तो धर्म शब्द का जब ट्रांसलेशन रिलीजन कर देते हैं, तो फिर रिलीजन, ये ट्रांसलेशन करने के बाद फिर धर्म हमारे दिमाग में किस रूप में आता है, वो हिंदू धर्म के रूप में आता है कि मुस्लिम धर्म के रूप में आता है कि क्रिश्चियन धर्म के रूप में आता है कि जैन सिख बौद्ध ईसाई धर्म के रूप में आता है। धर्म का ये रियल ट्रांसलेशन ही नहीं है। तो वास्तव में धर्म है क्या, इस चीज को इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया, और इस चैप्टर के सार के रूप में मैं आपके सामने ये बात रखूंगा कि जो ह्यूमन बीइंग्स का जो धर्म है, जैसे जल का धर्म होता है शीतलता, धर्म का एक मीनिंग क्या होता है, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट। जल की एक प्रॉपर्टी क्या है, शीतलता, वो ठंडा है, स्वभाव से ठंडा है। तो संस्कृत में क्या कहेंगे कि जल का स्वभाव अर्थात जल का धर्म क्या है, शीतलता। अग्नि का धर्म क्या है, दाहकता, वो जलाती है। इसी प्रकार से मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्यता, ह्यूमैनिटी। मनुष्य का केवल एक ही धर्म है, हमारा एक ही धर्म है, और वो क्या है, मनुष्यता, वो है ह्यूमैनिटी। अब ह्यूमैनिटी हमारे अंदर है, इस चीज को हम कैसे समझें, इसको फिर वेद समझाते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर जब धैर्य को धारण करते हैं, क्षमा को धारण करते हैं, अच्छी वैल्यूज को धारण करते हैं, तभी हमारे अंदर ये चीज प्रूव होती है कि हमारे अंदर मनुष्यता है। इसलिए जो वेद हैं वो हमें क्या उपदेश देते हैं कि मनुर्भव, क्या उपदेश देते हैं, मनुर्भव। मनुर्भव का अर्थ क्या होता है, मनुष्य बनो। अरे ये मनुष्य शरीर तो प्राप्त है, इस मनुष्य शरीर के प्राप्त होने के बाद भी उपदेश क्या आ रहा है ईश्वर की ओर से, मनुष्य बनो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि केवल मनुष्य शरीर प्राप्त करने मात्र से हम मनुष्य नहीं हो जाते। हो सकता है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम में से हमारे अंदर कुछ ना कुछ एनिमल टेंडेंसीज बनी रहें, तो उन सारी एनिमल टेंडेंसीज को भी हम ट्रांसफॉर्म करें और अपने अंदर वैल्यूज को, शुभ गुणों को धारण करें, धैर्य को है, क्षमा को है, नियंत्रण को है, शुद्धि को है, पवित्रता को है, आस्तिकता को है, प्रेम भाव को है, आत्मीयता है, इन सारी चीजों को धारण करने से हम मनुष्य पूर्ण रूप से हो जाएंगे। तो इस रूप में इस अध्याय के अंदर वेद धर्म के विषय में क्या समझाते हैं, ये बात बताई गई। आप लोगों ने संगठन सूक्त सुना हुआ है, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतम, ये सुना हुआ है आपने। तो इस पूरे सूक्त को भी वहां पर प्रस्तुत करते हुए मनुष्य आपस में कैसा व्यवहार करें, किस प्रकार से वो प्रेम पूर्वक विचार करें, प्रेम पूर्वक बातचीत करें, प्रेम पूर्वक संवाद करें, प्रेम पूर्वक निर्णय लें और अपना हित करें और अन्यों का हित करें, इस प्रकार से मनुष्य कैसा होना चाहिए, संगठन सूक्त के मंत्रों के माध्यम से
से भी वहां पर समझाया गया है। तो मेरे विचार से धर्म जो शब्द है इसको आप समझ पा रहे होंगे, और धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है इस बात को भी आप समझ पा रहे होंगे। तो जो वेद हैं, वेद मनुष्यता का उपदेश करते हैं, वेद हमें कभी भी ग्रुप्स में नहीं बांटते, वो तो सभी मनुष्यों को जोड़ने का उपदेश करते हैं। और आप यदि आज रिलीजन्स को देखें तो जो रिलीजन है वो जोड़ते हैं, जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं, तोड़ देते हैं। तो हमें धर्म को रिलीजन नहीं समझना है, और धर्म का यथार्थ स्वरूप जो परम पिता परमेश्वर ने केवल भारतीयों के लिए नहीं, केवल भारतीयों के लिए नहीं, पूरी इस धरा पर सभी रहने वाले मनुष्यों के लिए दिया है। उन सभी मनुष्यों को, वो चाहे हिंदी बोलने वाले हैं, चाहे इंग्लिश बोलने वाले हैं, चाहे वो रशियन चाइना बोलने वाले हैं, सभी भाषाओं को बोलने वालों का जो मालिक है, उनका जो स्वामी है, वो एक ही ईश्वर है, वो सबका एक है। तो एक ईश्वर के द्वारा दिया गया जो वेद है वो केवल भारतीयों का नहीं है, वो मनुष्य मात्र का है, सबका है। तो जो आर्य समाज है, आर्य समाज यही प्रयास करता है कि वो वेद को मनुष्यों तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए, लोग केवल उसे भारत से जुड़ा हुआ ना समझें। सबका वो है, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सबके पिता परमेश्वर ने उसे दिया है। तो इस रूप में धर्म का विषय हम इस अध्याय के माध्यम से समझते हैं। इसी के बाद जो अगला इसमें अध्याय है वो है सृष्टि विद्या विषय। वेद क्या समझाते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी, ये एक बहुत बड़ा विषय है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि वेद के अंदर सभी विद्याएं बीज रूप में हैं। बीज रूप में यदि आपको स्टार्टिंग में ठीक डायरेक्शन मिल जाए मनुष्य को, तो मनुष्य ठीक दिशा में मेहनत करके ठीक रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकता है। आज की जो साइंस है, आज का जो विज्ञान है, वो ये संसार बना कैसे, इस चीज को अभी तक पूर्ण रूप से नहीं समझ सका। वो प्रयत्नशील है, जो साइंस के प्रयास है वो अपने एक स्तर पर प्रशंसनीय है। मैं ऐसे साइंस के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं जो जिनसे मानव का हित होता है, लेकिन साइंस के ऐसे प्रयास जिनसे मानव का या प्राणियों का अहित होता है, उनकी प्रशंसा तो शायद आप भी नहीं करेंगे। तो जो साइंस है, साइंस इस सृष्टि की उत्पत्ति को समझने का प्रयास कर रही है। तो जो वेद हैं और जो वैदिक ग्रंथ हैं, वो निश्चित रूप से साइंस को दिशा दे सकते हैं, एक संकेत दे सकते हैं कि साइंस किस दृष्टि से इस चीज की खोज करें। तो जो सृष्टि विद्या विषय है, इसके अंदर ये संसार कैसे बना, इस संसार की रचना कैसे हुई, इसी के साथ साथ जो सत्यार्थ प्रकाश का आठवां समुल्लास है, उस आठवें समुल्लास में भी फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन कैसे आई। आप इस बात को समझते हैं कि जो डार्विन की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी का आज कई वैज्ञानिक भी खंडन कर देते हैं, जो सत्यार्थ प्रकाश का आठवां समुल्लास है, उस आठवें समुल्लास में आप में से कोई बता सकेंगे कि पहली ह्यूमन जनरेशन कहां से पैदा हुई, कहां से पैदा हुई? तिब्बत में पैदा हुई, लेकिन कहां से, किसके गर्भ में से आई? आज जो बच्चा पैदा होता है मां के गर्भ में से आता है, तो कौन से गर्भ से पहली ह्यूमन जनरेशन पैदा हुई? मैथोनी आप शब्द बोल रहे हैं, उसका मतलब तो केवल इतना ही है कि माता पिता के संयोग के बिना, क्योंकि फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन थी, माता पिता कहां थे, वो फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन थी। तो फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन कौन से गर्भ से पैदा हुई, कौन से गर्भ से पैदा हुई? पृथ्वी रूपी गर्भ से पैदा हुई।
पृथ्वी रूपी गर्भ से पैदा हुई, फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन। जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं, आपने देखा होगा कई लोगों ने, बरसात के दिनों में पंख वाले चींटे धरती से निकल करके बाहर आते हैं और उड़ जाते हैं। ये आप लोगों ने देखा है दृश्य, भारत के अंदर तो दिखता है, अमेरिका के अंदर दिखा कि नहीं दिखा? भारत के अंदर आप में से कितनों ने यह दृश्य देखा हुआ है? देखा हुआ है, बरसात के दिनों में पूरा युवा अच्छी प्रकार से निर्मित जो चींटा है, वो जिसके पंख भी आ गए हैं, वो धरती के गर्भ से निकलता है और ऊपर उड़ता है। हमेशा सृष्टि के रहस्यों को समझने का एग्जाम्पल इस सृष्टि में कहीं ना कहीं रहता है, आपको वो दृष्टि चाहिए। तो सत्यात प्रकाश के 8वें समुल्लास में क्या चीज समझाई कि फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन कैसे आई, तो कैसे आई, पृथ्वी रूपी गर्भ से आई। अब पृथ्वी रूपी गर्भ से आई ये सुन करके लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत लोगों के रिएक्शंस आ जाते हैं। तो आपके अंदर जो रिएक्शंस आएंगे या आते होंगे, या सुनने वालों को ये चीज अजीब सी लगेगी, तो इतना सुनने मात्र से आप इस बात के लिए नेगेटिव मत हो जाइएगा। मैं आपके सामने बहुत सोच समझकर जानबूझकर इस बात को रख रहा हूं कि इस बात को समझाया जा सकता है, उसको समझाने का प्रयास किया जा सकता है, उसको तर्क से भी क्लियर किया जा सकता है, इसलिए मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूं। तो जो सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, वो वर्णन कहां पर हमें मिलता है, वो वर्णन हमें सृष्टि विद्या विषय में मिलता है, वेदों के अंदर और भी मिलता है, नासदीय सूक्त में मिलता है, और सत्यात प्रकाश के 8वें समुल्लास में भी आपको वहां पर उस चीज की झलकें मिल सकती हैं, मिलती हैं। अब जो अगला विषय है, अगला विषय जो भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती समझा रहे हैं कि इस जो जिस वेद का मैं भाष्य करने जा रहा हूं, इस भाष्य में आपको क्या क्या मिलेगा, वेद आपको क्या क्या विषय समझाएंगे, वो समझा रहे हैं भूमिका के अंदर। तो और क्या समझा रहे हैं, पृथ्वीव्याधि लोक भ्रमण विषय क्या है, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पर कैसे घूमती है, इसी के साथ साथ वो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कैसे लगाती है, इसी प्रकार से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमता है, ये सारी चीजें वेद मंत्रों के अंदर लिखी हुई हैं। तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने यहां पर कुछ वेद के ऐसे मंत्र प्रस्तुत किए जिनसे आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज मिलता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस में घूमती है, बिल्कुल क्लियर मैसेज मिलता है अपने एक्सिस में घूमती हो वो सूर्य के चारों ओर घूमती है और उसके चारों ओर चंद्रमा घूमता है, वेद मंत्र है। देखिए आज का जो विज्ञान है वो जो प्रयास कर रहा है वो प्रशंसनीय है, लेकिन आप इसी विज्ञान की यदि थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो आपको ये भी बात समझ में आएगी कि पृथ्वी गोल है ये कितने सालों पहले आज के विज्ञान को बात समझ में आई कि पृथ्वी गोल है, कुछ सौ सालों पहले। और जो वेद हैं, वेद कितने पुराने हैं वो तो मैंने आपके सामने संख्या रखी, तो इतने पुराने वेदों में ऐसे मंत्र आपको मिल रहे हैं जो इस चीज को समझाते हैं कि पृथ्वी गोल है, वो अपनी एक्सिस पर घूमती है। और देखिए पूरे भारत के अंदर हिंदी भाषा के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, भूगोल। क्या बोलते हैं भूगोल को, आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। भूगोल, भू मतलब पृथ्वी, और साथ में बता दिया पृथ्वी कैसी है, अरे भाई गोल है। अब ऐसी गोल पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन है उसे कहते हैं भूगोल, जो ना जाने साइंस अभी कुछ सौ वर्ष पहले समझ पाई, ये आपके शास्त्रों के अंदर संस्कृत के अंदर तो ना जाने कब से ये बातें चली आ रही हैं। तो आगे क्या है, आगे का जो विषय है, आगे का विषय है आकर्षण, अनुकर्षण विषय।
अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो सारे के सारा ये जो ब्रह्मांड है, जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, उसके कारण ये बीच में स्थिर हैं, गिरते नहीं हैं। इस चीज को तो आज की साइंस भी समझ कहती ही है, समझाती ही है। लेकिन यहां पर ऋषि दयानंद जी ने क्या बात कही कि ये केवल प्लैनेट्स का ही आपस में आकर्षण विकर्षण नहीं है, उनका आपस में ही उनका पुल और ग्रेविटेशन या अट्रैक्शन नहीं है, उसके साथ साथ ईश्वर की भी शक्ति काम करती है, उसके साथ साथ ईश्वर की भी शक्ति काम करती है। ईश्वर ने धारण किया हुआ है इस सारे ब्रह्मांड को। ये जो इनमें आकर्षण विकर्षण है, ये जो आकर्षण विकर्षण है, ये भी ईश्वर की व्यवस्था के माध्यम से है, और उसके साथ साथ ईश्वर इस सारे ब्रह्मांड को धारण भी कर रहा है। सत्यार्थ प्रकाश के एक प्रसंग में वो प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं, ये बताइए कि ये जो ब्रह्मांड है, ये शांत है कि अनंत है? शांत का अर्थ क्या होता है, अर्थात इसका भी कहीं अंत आएगा अथवा ये अनंत है, इसका कहीं अंत ही नहीं है? क्या लगता है आपको, कहीं अंत होगा? जो भी चीज बनी है उसका कहीं अंत होता है कि नहीं होता? सीमा, बाउंड्री के हिसाब से, यहां क्वेश्चन किस हिसाब से चल रहा है, बाउंड्री के हिसाब से, उसका कहीं अंत है, उसकी कहीं बाउंड्री आएगी कि नहीं आएगी? आएगी बाउंड्री। वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो बाउंड्री आई उसके बाहर तो स्टार्स प्लैनेट्स नहीं है, तो जो बाउंड्री पर जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो किसके पुल से वहां खड़े हुए हैं? इस चीज को समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं? आप जब ब्रह्मांड के बीच की बात कर रहे हैं, तब तो आप कह रहे हैं ना एक दूसरे के अट्रैक्शन और रिपल्शन से हैं। तो वो पूछते हैं कि भाई ये बताइए कि ये जो ब्रह्मांड है, इसका कहीं, इसकी सीमा आप मानोगे कि नहीं मानोगे? सीमा तो माननी पड़ेगी, क्योंकि ये क्रिएशन है, बनी हुई चीज है। तो जब आप सीमा मानेंगे, तो उस स्टार या उस प्लेनेट की बात सोचिए जिसके बाहर आगे कुछ भी नहीं है, वो कैसे खड़ा हुआ है वहां पर? ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये उन्होंने क्वेश्चन रेस किया, और इस क्वेश्चन को रेस करके वो क्या बात समझा रहे हैं, इनमें आपस में आकर्षण विकर्षण होता है, वो भी ईश्वरीय व्यवस्था से है, और उसका केवल इतना ही नहीं होता, ईश्वर भी इस सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, तब ये इस रूप में स्थित है। ठीक है, अगला जो विषय समझाते हैं वो है प्रकाश्य प्रकाशक विषय। अब देखिए सारी साइंस की बातें हैं ये, प्रकाश्य प्रकाशक विषय। प्रकाश्य, प्रकाश्य का अर्थ क्या है, इल्यूमिनर, और प्रकाशक क्या है ना, इल्यूमिनर क्या हो गया, प्रकाशक, और प्रकाश्य क्या है, इल्यूमिन्ड, जो प्रकाशित हो रहा है। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, इल्यूमिनर है, और उससे क्या प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। तो ये जो है कि जो स्टार्स हैं, जो अपनी लाइट जिनमें से निकल रही है, और दूसरी चीजें जो उनसे प्रकाशित हो रही हैं, इस चीज को समझाने वाले भी वेद मंत्र उन्होंने यहां पर कोट किए हैं, कि इस तरीके की बातें भी वेद में आएंगी। जो मैं भाष्य कर रहा हूं, आपको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स वहां मिलेंगे, आपको वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगला है गणित विद्या विषय, साइंस ऑफ मैथमेटिक्स। बड़ा आश्चर्य है, वेद के अंदर उन्होंने कुछ मंत्रों को कोट किया, जैसे एका चमे तिस्रश चमे तिस्रश चमे पंच चमे पंच चमे सप्त चमे, ऐसे करके ये गिनती करते करते कहां तक गई है वेद मंत्र में, चतुष चत्वारिंश चमे अष्टा चत्वारिंश चमे यजेन कल्पता कल्पनताम। ये यजुर्वेद के 18वें अध्याय का
24वां मंत्र है, 24वां 25वां मंत्र है। अब ये जो मंत्र है ये उन्होंने केवल एक दिया है, और भी दो चार दिए हुए, अभी मैंने केवल आपके सामने एक ही प्रस्तुत किया। इसके अंदर क्या है, अलजेब्रा है और ज्योमेट्री है, बीज गणित है और रेखा गणित है, ऐसे और भी मंत्र हैं। अब ये जो मंत्र हैं, ये मंत्र आपके लिए एक बेस बना रहे हैं, ह्यूमन जाति के लिए, मनुष्यों के लिए एक बेस बना रहे हैं कि एक से तीन कैसे होता है, तीन से पांच कैसे होता है, ठीक है ना। ऐसे और मंत्र भी आपको संकेत कर देते हैं कि किसी चीज का स्क्वायर कैसे बनता है। और जो वैदिक गणित है, आज बच्चे वैदिक गणित पढ़ते हैं, वैदिक गणित के ऊपर तो बहुत सारी बातें आ गई हैं, लेकिन उनका बेस यहां से है, जिस बेस को फिर लोगों ने आगे डेवलप किया। आगे इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है, जो इन्होंने सब्जेक्ट लिया है, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना, विद्या विषय। कितनी सारी चीजें आ गई, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना, विद्या विषय, अर्थात इनसे संबंधित विद्या। तो इसको समझाते हुए उन्होंने कई सारे वेद मंत्रों को कोट किया, उनके मीनिंग्स भी समझाए, जिनमें ईश्वर की स्तुति की जा रही है, जिनमें ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, जिनमें ईश्वर की उपासना या जिनमें ईश्वर के प्रति समर्पण किया जा रहा है। तो वेदों के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उनकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, याचना, समर्पण आदि विषयों को समझाया। एक बहुत अच्छा मंत्र जो मुझे बहुत प्रिय है, ये मंत्र आपको भी लगेगा, समर्पण का विषय, आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, वाग यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम, आत्मा यज्ञेन कल्पताम, ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताम, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम, स्वर यज्ञेन कल्पताम, पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम। ऐसे ये पूरा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। ये मंत्र कहाँ का है, ये है यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 29वां मंत्र, बहुत अच्छा मंत्र है। इसके अंदर क्या चीज आ रही है, इसके अंदर क्या बात कह रहा है व्यक्ति, उपासक क्या कह रहा है कि ईश्वर, इसमें ईश्वर क्या कह रहे हैं और उपासक क्या कर रहा है। उपासक क्या कह रहा है कि मैं अपनी सारी आयु को ईश्वर को समर्पित करता हूं, अर्थात मैं अपनी सारी आयु को ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए समर्पित करता हूँ, मैं अपने प्राणों को ईश्वर की आज्ञा के लिए समर्पित करता हूँ, मैं अपने नेत्रों को, मेरे नेत्रों के माध्यम से मैं जो कुछ करता हूँ वो भी ईश्वर को समर्पित है, मेरे कान, उनका व्यवहार भी सब ईश्वर को समर्पित है, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं करता हूँ, वाणी है। इसी प्रकार से आत्मा यज्ञेन कल्पता, मैं स्वयं को भी ईश्वर को समर्पित करता हूं, और जो वेदों को पढ़ने का जितना भी पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ को भी मैं ईश्वर को समर्पित करता हूं, जो मैं अच्छे काम करता हूं, ये मंत्र के अंदर आ रहा ना, मैं मतलब मेरे लिए, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जो भी पुरुषार्थ है, जो भी अच्छे काम है, उनको भी ईश्वर को समर्पित करता हूं, और उन अच्छे कामों को जो मिलने वाले फल हैं उनको भी ईश्वर को समर्पित करता हूं। तो ये समर्पण को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एक वेद का मंत्र है, जिससे हम समर्पण का विस्तार समझ सकते हैं कि हमें किस स्तर पर क्या क्या सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना होता है। आगे इसके बाद क्या है, उपासना विषय, कि वेदों के अंदर किस प्रकार से उपासना करने का विधान है। तो एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत सारे मंत्रों को वहां ऋषि ने उद्धृत किया है, युञ्जते मना उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। ये ऐसा मंत्र है, ऋग्वेद का है, बहुत सारे मंत्र हैं। तो यहां पर इसका जो उन्होंने भाव वहां पर समझाया वो बहुत प्रेरक है। वो भाव क्या है, योग को करने वाले मनुष्य तत्व अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, समझिएगा, ईश्वर की अनुभूति करने के लिए
ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले व्यक्ति क्या करता है, अपने मन को पहले ईश्वर में युक्त करता है। युक्त करने से तात्पर्य अर्थात अपने मन के माध्यम से वो ईश्वर का ही स्वरूप चिंतन करता है, उन्हीं के गुणों का वर्णन करता है, उन्हीं को समझता है। जब वो ऐसा पुरुषार्थ करता है तो एक सीमा के बाद उस पर कृपा करके, बहुत अच्छी चीज है, तब परमेश्वर उसकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। क्या चीज आ रही है कि आप पहले थोड़ा सा पहले पुरुषार्थ करें, आप पुरुषार्थ करेंगे वेद मंत्रों के माध्यम से या अन्य प्रकार से भी ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे, बार बार ईश्वर के स्वरूप का स्मरण करेंगे, बार बार उन्हें स्मरण करेंगे, उनके स्वरूप के प्रति समझ बनाएंगे, तो ईश्वर अपनी कृपा से आपकी बुद्धि को स्वयं अपने में युक्त करा लेगा। जिसको कहते हैं कि आप एक कदम बढ़े, उधर से दो कदम आगे आकर वो स्वयं आपकी सहायता कर देते हैं। अब ईश्वर का आना जाना इस रूप में नहीं होता, क्योंकि ईश्वर कैसे हैं, सर्वव्यापक हैं, वो आपके अंदर ही विराजमान हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आप मेहनत करते हैं तो अंदर से ईश्वर की विशेष सहायता आपको मिलती है। तो जब आप ईश्वर के स्वरूप का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मेहनत करते हैं, समझते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आता है जब आपके अंदर ईश्वर के प्रति जो समझ है वो स्थिर हो जाती है, स्थिर होने लगती है। वो स्थिरता वो कहां से आती है, प्रभु की कृपा से आती है। इस प्रकार से एक और मंत्र भी है, उसका क्या है, अथर्ववेद का है, देखिए बहुत अच्छा है, क्या है, नमस्ते अस्तु पश्यता, पश्य मा पश्यता, नमस्ते अस्तु पश्यता, पश्य मा पश्यता। इसका क्या, देखिए कितना अच्छा अर्थ महर्षि ने दिया है, परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि हे उपासक लोगों, तुम मुझको प्रेम भाव से अपने आत्मा में सदा देखते रहो। कब देखते रहो, सुबह शाम सदा। क्या कह रहे हैं कि हे उपासक लोगों, तुम मुझको प्रेम भाव से अपने आत्मा में सदा देखते रहो तथा मेरी आज्ञा और वेद विद्या का यथावत ज्ञान करके उसी रीति से जीवन में सदा आचरण करते रहो। इस रूप में ये कुछ ऐसे मंत्र हैं जो हमें काफी बहुत अच्छे से प्रेरित करते हैं कि हमें ईश्वर से किस स्तर पर जुड़ने का या सजगता पैदा करने का अभ्यास करना चाहिए। आगे इसी अध्याय के अंदर, ये जो उपासना विषय है इसी के अंदर, फिर योग दर्शन के सूत्रों के माध्यम से भी ऋषि दयानंद जी ने उपासना विषय को समझाया। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने योग दर्शन पर तो कोई भाष्य किया नहीं, उन्हें योग दर्शन पर भाष्य करने का समय नहीं मिला। लेकिन योग दर्शन के अंदर जो आपके लिए विशेष उपयोगी सूत्र हैं, उन सूत्रों का तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी उन पर तो व्याख्यान कर गए। तो इसी उपासना विषय के अंदर, योग दर्शन के अंदर जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं, जिनका आपके मेडिटेशन से संबंध विशेष है, उनको भी वहां उन्होंने समझाया है। इसी के साथ जो अगला विषय है, अगला विषय क्या है, मुक्ति विषय। अगला क्या है विषय, मुक्ति विषय। इस मुक्ति विषय में भी मुख्य रूप से उन्होंने अविद्या क्या चीज है, जो हमारे जीवन में जो बंधन है, जो दुख है, उसका मेन कारण क्या है, अविद्या। तो अविद्या क्या है और परमेश्वर की उपासना भक्ति से हम कैसे अविद्या से बाहर जाएंगे, तो इस प्रसंग के अंदर उन्होंने योग दर्शन के कई सूत्रों पर व्याख्यान किया है।
तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के माध्यम से यदि आप योग दर्शन को समझना चाहते हैं तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इस पुस्तक के आप उपासना विषय को और मुक्ति विषय को अच्छे से पढ़ें। संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में संस्कृत का ट्रांसलेशन आपके पास है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो योग दर्शन का जो पार्ट जितना आपके लिए बहुत जरूरी है वो पार्ट महर्षि दयानंद के द्वारा आपके लिए वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद जो विषय है, इसके बाद विषय है नव विमान विद्या आदि, नव विमान आदि विद्या विषय, द आर्ट ऑफ बिल्डिंग शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, जो मैंने पिछले सेशन में आपके सामने बात रखी और मैंने आपके सामने पंडित शिवकर बापूजी तलपदे के भी कुछ हिस्ट्री को रखने का प्रयास किया, तो उनको जो प्रेरणा मिली उनको यहां से इस चैप्टर से मिली, द आर्ट ऑफ बिल्डिंग शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। तो यहां पर वेद मंत्र हैं जिनके अंदर कैसे डिजाइन किया जाए, तो यहां पर संकेत हैं। फिर उन्होंने कुछ वेदों का और भी अध्ययन किया तो संकेत पाकर, बेस पाकर, फिर ईश्वर के द्वारा जो हमें इंटेलेक्ट मिली है, व्यक्ति जब मेहनत करता है तो उसको और आगे से आगे क्या आती हैं, ऊहाएं आती हैं। ऊहा शब्द समझते हैं, आगे से आगे संकेत मिलते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन में भी ये बात आती है कि जब वो वेद भाष्य कर रहे थे और वेद भाष्य करते हुए जब उन्हें किसी वेद के मंत्र का मीनिंग क्लियर नहीं होता था तो वो क्या करते थे, कौन से गुरु के पास जाते थे, परम गुरु के पास जाते थे। वो परम गुरु अंदर है, ठीक है। तो जब ये ऋषि दयानंद जी के जीवन में आता है, जब वेद भाष्य करते हुए यही जिसकी वो भूमिका समझा रहे हैं इसी के ऊपर जब वो आगे उन्होंने काम किया और जब उन्हें लगा कि मुझे इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, तो ईश्वर की कृपा कब मिलती है, जब पहले आप अपनी पूरी मेहनत कर चुके हो, पूरी मेहनत कर ली, सारे शास्त्रों को देखा, चिंतन किया, मंथन किया, कोई और विद्वान है उससे भी चर्चा करके देख ली, लेकिन जब कहीं से नहीं आ रहा है तब ऋषि दयानंद जी क्या करते थे, वो स्वयं समाधि में जाते थे। ये उनकी जीवनी में आता है, स्पष्ट रूप से आता है। अजमेर के पास एक जगह है पुष्कर, आपने नाम सुना होगा, वहां पर वो जगह है, एक मंदिर में एक वो कोठरी है, छोटा सा कमरा है, जहां पर बैठकर वो समाधि में जाने के बाद फिर उन्हें अंदर से ईश्वर की कृपा से मीनिंग समझ में आता था, रिवील होता था, फिर वो आंखें खोलकर फिर अपने शिष्यों को लिखवाते थे, पंडितों को लिखवा देते थे। तो इस तरीके से जब कहीं से फिर और कोई सहारा ना मिले और हमारी लिमिटेशन आ जाए, ऐसे में फिर जब व्यक्ति थोड़ा सा ईश्वर की शरण में जाता है, अच्छा सा मेडिटेशन की स्टेट में होता है, समाधि की स्टेट में होता है, अंदर ईश्वर उसे संकेत कर देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से जो वेद मंत्र हैं उनमें तो एक बेस है विद्याओं का, उस बेस के आधार पर जब व्यक्ति काम करेगा, मेहनत करेगा, फिर अंदर से भी संकेतों की प्राप्ति होती है, हो सकती है। इसके बाद जो अगला विषय है वो क्या है, तार विद्या मूलम, तार विद्या, तार विद्या क्या होती है, द साइंस ऑफ टेलीग्राफी, साइंस ऑफ टेलीग्राफी से संबंधित कुछ मंत्रों को वहां कोट किया है और बस उनका उद्देश्य क्या है, भूमिका में ये समझाने का कि इस प्रकार की चीजें भाष्य में आएंगी, इस प्रकार के सब्जेक्ट्स वेदों में हैं। इसके बाद जो है मेडिकल साइंस, वैद्यक, वैद्यक विद्या, मेडिकल साइंस, तो वेदों के अंदर मेडिकल साइंस भी बहुत कुछ है, विशेष रूप से अथर्ववेद के अंदर तो बहुत सारी जड़ी बूटियों के नाम, दूसरे वेदों में भी हैं लेकिन विशेष रूप से अथर्ववेद के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जड़ी बूटियां हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनका काफी संकेत मिलता है वहीं से, और बाकी अन्य वेदों से
लेकर फिर ऋषियों ने विस्तार दिया इस विद्या को, जो बाद में आयुर्वेद के नाम से आज आपके सामने है। और जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद आज कितना अधिक लोगों की सहायता कर रहा है उस चीज को आप समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद बहुत बहुत अच्छे आपको परिणाम दे सकता है जब आपको वो जड़ी बूटियां शुद्ध फॉर्म में उपलब्ध हो। आज आप जहां से आयुर्वेद की औषधियां प्राप्त करते हैं, वो औषधियां जिस गुणवत्ता के साथ, जिस प्योरिटी के साथ आपको मिलनी चाहिए, प्रायः नहीं मिल पाती। इसलिए उनके उतने अधिक इफेक्ट्स आपको नहीं मिल पाते कई बार। लेकिन यदि औषधियों का हम उनकी बिल्कुल रियल हेल्दी औषधियों का उपयोग कर पाए, वो हमें मिल पाए, तो वो हमारे जीवन में बहुत परिणाम अच्छा देती हैं। तो आयुर्वेद की महिमा तो अब धीरे धीरे ये विश्व समझ रहा है और भी आगे स्पष्टता आएगी। इसके बाद क्या है? इसके बाद है पुनर्जन्म विषय। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं होता, उस पर चर्चा है। और वेद के मंत्रों के माध्यम से वहां चीज समझाई जा रही है कि पुनर्जन्म के बारे में देखो वेद क्या समझा रहे हैं, कि वेद क्या समझा रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो वेद के मंत्रों के माध्यम से इस चीज को वहां समझाया गया। इसी प्रकार से विवाह विषय, मैरिज, वेद क्या गाइड कर रहे हैं कि मैरिज, विवाह कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से पति पत्नी का आपस में व्यवहार होना चाहिए, इस संबंध में बहुत सारे वेद मंत्र आते हैं, बहुत सारे वेद मंत्र हैं। तो उनको कोट करते हुए फिर विवाह का विषय समझाया है। इसके बाद जो विषय है वो है नियोग का विषय। नियोग का विषय का तात्पर्य यह होता है कि यदि पति या पत्नी में कोई संतान उत्पत्ति के लिए असक्षम हो जाए, उसका सामर्थ्य ना हो किसी रोग के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण, तो फिर दूसरे विकल्प होते हैं संतान की प्राप्ति करने के लिए। तो वो दूसरे विकल्प क्या होते हैं उनके बारे में समझाया है। उन्हीं विकल्पों का एक मॉडर्न रूप आज आपके सामने है, वो डोनर बैंक के रूप में है कि वहां से आप हेल्दी बीज लेते हैं और फिर आप आज की साइंस के माध्यम से गर्भ को स्थापित कर देते हैं और आप संतान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मॉडर्न वे है और कैसे किस प्रकार से है वैदिक सिस्टम, उसको वहां आपके संकेत मिल जाते हैं। आगे क्या है? आगे है राज प्रजा धर्म विषय। राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, राजा कितनी क्वालिटीज वाला होना चाहिए, कितना बड़ा विद्वान होना चाहिए। राजा भी बहुत बड़ा विद्वान होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं, वो भी चार वेदों को, तीन वेदों को पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो राजा कितना विद्वान होना चाहिए, कितने तप से गुजरा होना हुआ होना चाहिए, कैसे गुरुकुलों में उसने तप किया हो, पढ़ाई की हो और उसमें तेजस्विता भी हो, उसमें जिसे कहते हैं उसमें उत्साह भी हो, ठीक है, क्षत्रिय वाला भाव भी हो, उसके साथ साथ विद्वान भी हो, ईश्वर भक्त भी हो, ऐसा व्यक्ति राजा होने का अधिकारी है। जो वैदिक सिस्टम है वो जितना मेरे को कुछ समझ में आया, उस सिस्टम के अंदर वोटिंग वाला सिस्टम नहीं है। वोटिंग वाला सिस्टम तो मेरे को नहीं लगा वहां पर। वो कैसा सिस्टम है कि जो सबसे योग्य, जिसे कहते हैं वैदुष्य में, ईश्वर भक्ति में और उसके साथ साथ शारीरिक बल में, मानसिक तप में, जो जिसके अंदर रक्षा करने का सामर्थ्य है, लीड करने का सामर्थ्य है, जिसका जीवन आदर्श है, ऐसा व्यक्ति राजा होता है। और वो फिर पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को दिशा देता है। जब पूरे विश्व को दिशा देने की योग्यता बना लेता है, तब उसे क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती राजा। और उसका राज्य क्या कहलाता है? चक्रवर्ती राज्य। तो ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जाता है जो ठीक दिशा देता है। जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर तो बहुत तरीके से वोट इधर उधर हो करके, उथल पुथल हो करके, जो उतना योग्य व्यक्ति नहीं है वो भी ऊपर हेड बन जाता है।
एक पूरी धरती में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सत्ता का एक हाथ में लंबे काल के लिए होना जरूरी है। क्या बात मैं बोल रहा हूं, योग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता लंबे काल के लिए होनी चाहिए, यानी कि 5 साल के लिए मिली सत्ता, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, कौन सी राजनीति हो जाएगी, जो वोट है वो कहां से कहां शिफ्ट हो जाएंगे, फिर कास्ट, ये जातिवाद कहां से कहां लेकर के चली जाएगी। तो सत्ता अच्छे हाथों में लंबे काल तक टिके बगैर इस भूमंडल पर एक बड़ा परिवर्तन आना कठिन होता है। तो जो वेदों की जो पद्धति समझ में आती है वो है एक सुयोग्य राजा, उसके द्वारा संचालन, और जो प्रजा है वो राजा को एक पिता के समान समझे, राजा अपनी प्रजा को संतान के समान समझे, इस प्रकार का सिस्टम वहां पर हमें मिलता है, समझ में आता है। इसके बाद जो अगला विषय है वो है वर्ण आश्रम विषय। वर्ण कितने होते हैं? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो वर्ण होते हैं ये क्या वर्ण जन्म से होते हैं कि एक विद्वान के घर में बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि विद्वान के घर पैदा हुआ इसलिए वो ब्राह्मण है क्या? राजा के यहां पैदा हुआ इसलिए क्या वो राजा ही बनेगा क्या? वो क्षत्रिय है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा वेद नहीं समझाते, ना ही ऐसा मनुस्मृति समझाती है। जो ये वर्ण है ये वर्ण कैसे होते हैं? ये कर्मों के अनुसार होते हैं। जिसके अंदर उस प्रकार की ऊंची योग्यता है, मेहनत करके जिसने बनाई है वो योग्यता, तो वो ब्राह्मण, उससे नीचे वाले की है क्षत्रिय, उससे कम वाले की है वैश्य। और जिसको जीवन में सारे अवसर उपलब्ध कराने के बाद भी जो बोलता है कि नहीं पढ़ना मेरे बस का काम नहीं, सारे अवसर आपने उपलब्ध कराए, टीचर ने उपलब्ध कराए, उसे गुरुकुल में भी रखा गया, स्कूल बोर्डिंग भी उसको दी गई, लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि नहीं मैं पढ़ना नहीं चाहता, मेरे से तो कोई सेवा आप करा सकते हो तो करा लो। ऐसे भी लोग होते हैं कि नहीं होते? आप दीजिए ना उन्हें सारे अवसर, आप उन्हें सारे अवसर देने के बाद भी वो हाथ खड़ा कर देता है, बोल देता है कि नहीं भाई मेरी तो ये जो ब्राह्मण जी हैं इनके कामों में रुचि है तो आप मुझे इनका हेल्पर ही बना दो, ये जो क्षत्रिय हैं जो हमारे योद्धा लड़ने जाते हैं फील्ड में, अरे भाई इनके जो अस्त्र हैं शस्त्र हैं उन्हें भी तो साफ साफ रखना पड़ता है, उन्हें भी धोना पड़ता है, उनका भी स्टॉक ठीक से रखना पड़ता है, मुझे उनकी सहायता में नियुक्त कर दो भाई, मैं जाकर लड़ने वाला नहीं, मैं तो वहां से भागाऊंगा, तो चलो भाई इनकी सहायता में मुझे नियुक्त कर दो। ऐसे लोग भी मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? जो खुद बिजनेस रन नहीं कर सकता, जिसमें वो वाक चातुर्य वो बुद्धि चातुर्य नहीं है, वो बोलता है कि भाई सेठ जी आप सेठ बने रहिए, मैं तो मेरे को तो आप अपनी दुकान में सामान कैसे रखना कैसे करना साफ सफाई में लगा लो, मैं इसमें सुखी रहूंगा, और मेरे को और कुछ नहीं आना है, मेरे को भी जीना है, मेरी सहायता करो। ऐसे व्यक्ति को आप उस काम में रख लीजिए। तो जो ब्राह्मण का सहायक है, जो क्षत्रिय की सहायक सहायता करता है सेवा करता है, जो वैश्य की सहायता सेवा करता है, उसको क्या बोलते हैं? शूद्र। जिसको सारे अवसर देने के बाद भी जो नहीं पढ़ पाया, जो अब इस रूप में समाज का अभिन्न अंग बनकर काम करता है, क्या ऐसे व्यक्ति की जरूरत समाज को नहीं है? क्या ऐसे व्यक्ति की इज्जत नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, उसके बगैर तो ब्राह्मण पूरा नहीं कर पाएगा, क्षत्रिय नहीं कर पाएगा, वैश्य भी पूरा काम नहीं कर पाएगा। तो वेदों के अंदर उसका पूरा सम्मान करते हुए उसको साथ में लेकर के चलने का विधान है, बिल्कुल भी तिरस्कार वाली बात नहीं। आपके इस अमेरिका देश के अंदर भी कई लोग हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। आप एक मशीनों से जो व्यक्ति केवल घास काट रहा है आप उससे भी बहुत पोलाइटली बात करते हैं, ये इस देश की विशेषता है, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो इस रूप में एक ऊंच नीच का भाव ना रख करके ये क्या है, एक दूसरे के सहयोग करने वाले हैं, इस रूप में ही समाज चलता है। इस रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म से निर्धारित किए जाते हैं, ना कि जन्म से निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे है पंच महायज्ञ विषय।
पांच महायज्ञ कौन से हैं, उनका वेद मंत्रों के माध्यम से एक्सप्लेनेशन है कि देखो वेद के अंदर पांच महायज्ञ कैसे समझाए गए। इसी प्रकार से फिर आगे है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक विषय लिया है, ग्रंथ प्रामाण्य अप्रामाण्य विषय। कैसे ग्रंथ प्रामाणिक कहलाते हैं और कैसे ग्रंथ अप्रामाणिक कहलाते हैं, कैसे ग्रंथों को आप अथॉरिटी माने और कैसे ग्रंथों को आप अथॉरिटी नहीं माने, इस चीज को उन्होंने समझाया है। तो ध्यान का विषय समझना है तो कैसे ग्रंथ को आप अथॉरिटी माने, आप महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन को माने, योग सूत्रास को माने, ना कि आप हठ योग प्रदीपिका को माने। इसी प्रकार से जैसे वेदांत, वेदांत शास्त्र का अध्ययन करना है तो वहां पर किनकी व्याख्या को हम पढ़ें, किनकी व्याख्या को पढ़ें, महर्षि बोधायन की व्याख्या को हम वेदांत दर्शन में पढ़ें, वेदांत दर्शन समझने के लिए पढ़ें। और यदि वेदांत दर्शन में महर्षि बोधायन की व्याख्या उपलब्ध नहीं है तो वेदों के अनुसार जो व्याख्या करने वाले जो दूसरे भाष्यकार हैं उनको पढ़ें। लेकिन वो जो भाष्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेदानुसार होना चाहिए, तब वो प्रामाणिक होगा, नहीं तो उसकी अनअथॉरिटी, वो उसकी अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगला जो विषय समझाया, अधिकार, अधिकार और अनधिकार विषय। किसको अधिकार है वेदों को पढ़ने के लिए और किसको अधिकार नहीं है वेदों को पढ़ने के लिए, क्या लगता है आपको किसका अधिकार है वेदों को पढ़ने के लिए? मनुष्य मात्र का अधिकार है। तो यहां पर एक बड़ा अच्छा वेद मंत्र भी कोट किया है, यथे माम वाचम कल्याणी मा वदानी जनेभ्यः, ईश्वर अपना ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए दे रहे हैं, उसमें आप यदि बाद में लोगों ने ऐसी विकृति आ गई कि लोगों ने क्या कह दिया कि स्त्री वेद का अध्ययन नहीं कर सकती। इसी धरती में, इसी धरा में एक समय यह भी आया, जब आप कुछ सौ साल पीछे चले जाएं, कि यदि स्त्री गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले तो उसकी जीभ काट दी जाती थी। इसी धरा का, इसी पृथ्वी का एग्जाम्पल है ये। यदि स्त्री गायत्री मंत्र को सुन ले, कहीं पर ब्राह्मण लोग वेद पाठ कर रहे हैं और वेद पाठ उसके कानों में चला जाए तो कानों के अंदर शीशा पिघला कर भर करके कान खराब कर दिए जाते थे, कुछ सौ साल पहले की बात है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस चीज को बहुत अधिक, उनको इस बात का दर्द रहा कि इतना बड़ा अन्याय मनुष्य की संतान के साथ हो रहा है केवल एक जेंडर भेद के कारण कि पुरुष और स्त्री। तो उन्होंने इसके लिए जीवन में बहुत काम किए और उन्होंने इस चीज के लिए बहुत शास्त्रार्थ किए। और आपको आश्चर्य होगा कि कहीं कहीं आज भी भारत के अंदर कहीं कहीं लोग इस मानसिक वृत्ति के मिल जाते हैं जो क्या कहते हैं कि नहीं, स्त्री के लिए नहीं अधिकार है, पुरुष के लिए। कई इस मानसिकता के भी लोग मिल जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं, स्त्री मुक्त नहीं हो सकती, पुरुष ही मुक्त हो सकता है। ऐसी विकृत मान्यता के लोग आज भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसके लिए बहुत संघर्ष किए और उन्होंने इस बात की स्थापना की कि ये मनुष्य मात्र के लिए है, संतान मात्र के लिए है, पुरुष स्त्री सब के लिए है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और फिर उनकी कृपा से फिर कन्या गुरुकुलों का भी प्रारंभ हुआ। आज ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत के अंदर कन्या गुरुकुल है, जिनके अंदर कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, वो शास्त्रों को पढ़ती हैं, वेदों को पढ़ती हैं। और यहाँ तक कि इतनी विदुषी महिलाएं भी हैं आज जो बड़े बड़े यज्ञों की ब्रह्मा बनती हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स देती हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बहुत तप और संघर्ष इसके पीछे है। इसी प्रकार से पठन पाठन विषय, हम कैसे पढ़ें। कई बार होता है कि व्यक्ति केवल वेद के मंत्रों को ही याद करते रहते हैं, ऐसा भी होता है,
तो वेद के मंत्रों को याद करना अच्छा है, इससे वैदिक मंत्रों की रक्षा होती है, लेकिन ऋषि दयानंद जी समझाते हैं कि वेद के मंत्रों को ही केवल यदि याद किया और उनके मीनिंग्स को नहीं जाना तो फिर जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाएगा, आप एनलाइटन नहीं हो सकते। तो इसमें उन्होंने काफी समझाने का प्रयास किया है कि वेद के मंत्रों के स्मरण के साथ साथ हमें वेद के मीनिंग्स, मंत्रों के मीनिंग्स भी समझने होते हैं और उन पर कैसे चिंतन करके आगे कार्य करना है ये भी करना होता है। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी भाष्य भूमिका में आपको समझा रहे हैं, आपका बेस बना रहे हैं कि आगे जिससे आप भाष्य को ठीक समझ पाए। और भी तीन चार आगे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर जैसे आपने वेद मंत्रों के ऊपर चिन्ह देखे होंगे, कोई खड़ी हुई डंडी देखी है, कोई पड़ी हुई डंडी देखी है, वेद मंत्रों में आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये क्या होते हैं? स्वर के चिन्ह होते हैं, स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित, और इन स्वरों के कारण भी कैसे मीनिंग्स में डिफरेंस आ सकता है इन चीजों को भी उन्होंने समझाया। इसी प्रकार से जो अलंकार होते हैं वो अलंकारों, वेद मंत्रों के अंदर अलंकार युक्त भाषा भी है कहीं कहीं, तो उन अलंकारों का मीनिंग कैसे निकालना होता है थोड़ा सा उन्होंने इस चीज पर भी प्रकाश डाला है। और फिर उन्होंने एक अध्याय ही इसमें लिखा है प्रश्नोत्तर विषय। अब जो भी मन में और शंकाएं कुछ बच गई हैं उन फिर क्वेश्चंस को रेस किया और उनका भी आंसर दिया है। तो इस रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ये जो पुस्तक है, पुस्तक क्या कहें, जो भाष्य की भूमिका है, जो पुस्तक के फॉर्म में है, इसको पहले पढ़ना होता है वेदों को समझने के लिए। और इसको पढ़ने से भी आपका, आप वेद से बहुत परिचित होते हैं और वेद को समझने की योग्यता धीरे धीरे हमारी बनती है, फिर हम वेद के भाष्यों को पढ़ेंगे तो हमें अधिक स्पष्टता आएगी। तो मुझे आशा है इतना कुछ इंट्रोडक्शन देने के बाद कुछ फल की प्राप्ति मुझे भी हो गई। क्या फल की प्राप्ति? कि मुझे भी और अधिक प्रेरणा मिले इन ग्रंथों को पढ़ने की, वेद को पढ़ने की, और साथ साथ आप लोगों के अंदर भी जो परमेश्वर की वाणी वेद है उसको पढ़ने की एक और ललक तीव्र उठे और आप भी जीवन में कुछ ऐसा संकल्प कर पाए। क्योंकि ऋषि क्या बोलते हैं, स्वाध्यायात् मा प्रमदः, हमें स्वाध्याय करने से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो रोज 10 मिनट 15 मिनट कम से कम मुझे सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़नी है, ऐसा आप कुछ जरूर विचार बनाएं। और इतना सुनने के बाद आप अवश्य विचार बनाएंगे। और जो कई नए मित्र इन सारी बातों को सुन रहे हैं वो भी जरूर, जिनके लिए ये ग्रंथ नए से हैं कि क्या है सत्यार्थ प्रकाश, क्या है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, तो वो भी इन ग्रंथों को प्राप्त करके इनको समझना चाहेंगे। इन ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए एक वेबसाइट में बोल रहा हूँ, www.vedicbooks.com। आप वहां से इन ग्रंथों को मंगा सकते हैं यदि आप हार्ड कॉपी चाहते हैं, और यदि आप सॉफ्ट फॉर्म सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो आप इन ग्रंथों के नाम नेट पर टाइप करें और आपको इनकी पीडीएफ फाइल्स आपको फ्री वहां से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी, तो आप उसे फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हर प्रकार से ये प्रयास किया जा रहा है कि आपकी पहुंच इन ग्रंथों तक हो, जिससे आप जो सत्य है उसको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।